नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। शाहरुख खान की फिल्म पठान इस साल की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म पर दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की पिकनी को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म को देखने के लिए शाहरुख खान के फैंस पड़ोसी देश से भारत पहुंचे थे। इस फिल्म के लिए अभिनेता के फैंस इस कदर पागल थे कि वो टिकट को दुगने दामों पर भी खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। अब शाहरुख खान के फैंस की फिल्म पठान एक और उपलब्धि हासिल करने जा रही है। ये फिल्म बांग्लादेश में रिलीज के लिए तैयार है। दुनिया भर में पठान को मिले पॉजिटिव रिव्यू के बाद अब ये फिल्म बांग्लादेश में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि पहले ये फिल्म 24 फरवरी को रिलीज़ होनी थी, लेकिन अब ये 12 मई को रिलीज़ होगी। बता दें कि बांग्लादेश में 1971 के बाद देश के गठन के बाद अब पहली हिंदी फिल्म रिलीज़ हो रही है। ऐसे में देश के गठन के तकरीबन 52 साल बाद कोई हिंदी फिल्म रिलीज़ हो रही है। बांग्लादेश में पठान की रिलीज़ को लेकर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट नेशनल डिसूजा ने कहा, सिनेमा हमेशा राष्ट्रीय नस्लों और संस्कृतियों के बीच एक इंटीग्रेट पावर रहा है। ये देश की सीमाओं के पार भी जाता है, लोगों को प्रेरित करता है और लोगों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस बात से काफ़ी खुश हैं कि पठान को बांग्लादेश में भी देखा जाएगा और वहाँ के दर्शक भी इसका आनंद लेंगे। नेशनल डिसूजा ने आगे कहा, पठान 1971 के बाद बांग्लादेश में रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है और हम उनके फैसले के लिए अधिकारियों के आभारी हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि शाहरुख खान के बांग्लादेश में जबरदस्त फैन हैं और हमें लगता है कि पठान YRF के स्पाई यूनिवर्स की हमारी नई पेशकश है। पठान के जरिए शाहरुख खान ने 4 साल के ब्रेक के बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया था। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन साझा की थी। सलमान खान ने भी फिल्म में कैमियो किया था। अब शाहरुख खान जल्द ही जवान फिल्म में नजर आने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।